इसके बाद में नेक्स्ट आता है तत्व आदि विशेषता क्या है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है तत्व आपको वर्गीकरण क्लास की शुरू हुई है तत्व आपको वर्गीकरण के आधार पर जवाब बांटा गया है। इस प्रकार से जो नेक्स्ट हमारा विश्लेषण प्रतीक है उसका नाम है तत्व आदि को इंग्लिश बोलते इसको भी, और बात करते हैं इसकी परिभाषा की खरपतवार द्वार किसे कहते हैं। सबसे पहले आता है खरपतवार, खरपतवार किसे कहते हैं चेंथ्रोटुल के अनुसार, चेंथ्रोटुल, चेंथ्रोटुल के अनुसार खरपतवार की डेफिनेशन, खरपतवार खरपतवार वे अवांछित, खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं, अवांछित पौधे होते हैं, खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं। जैतोटुल के अनुसार खरपतवार की परिभाषा क्या है, खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो जो किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर बिना हुए, बिना हुए उग जाते हैं, बिना हुए उग जाते हैं उसे खरपतवार, उसे खरपतवार कहते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, खरपतवार किसे कहते हैं, जैतोटुल के अनुसार खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। जैसे हम हमारे फसल में जैसे गेहूँ होते हैं, गेहूँ के साथ कुछ खरपतवार जैसे बथुआ है तो वो उग जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, खरपतवार। नेक्स्ट जो दूसरी डेफिनेशन है डॉक्टर बीन के अनुसार, डॉक्टर बीन के अनुसार, बीन के अनुसार, डॉक्टर बीन के अनुसार खरपतवार की डेफिनेशन क्या है, इन्होंने डेफिनेशन दी कोई पौधा, कोई पौधा उस स्थान पर मिलता है, कोई पौधा उस स्थान पर, उस स्थान पर उगता है, कोई पौधा उस स्थान पर उगता है जहां पर उसे, जहां पर उसे नहीं उगना चाहिए, उसे क्या कहते हैं खरपतवार, नहीं उगना चाहिए उसे खरपतवार कहते हैं। इन्होंने ये डेफिनेशन कोई पौधा उस स्थान पर होता है जहां पर उसे नहीं उगना चाहिए क्या कहते हैं खरपतवार। जैसे हमने बता हमारे खेत में गेहूं का प्लांट, गेहूं के बीज हुए, अगर उसमें जो का पौधा भी उगा है तो वो क्या है खरपतवार। इनका कहने का मतलब यह है कोई पौधा उस स्थान पर उगता है जहां हम उसको उगाना नहीं चाहते लेकिन वो उग जाते हैं, तो वो भी किसी से नहीं खाते खरपतवार इस श्रेणी में आते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन है डॉक्टर बी के अनुसार, पहली है जैतोटुल के अनुसार, दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। दोबारा खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। डॉक्टर बी के अनुसार कोई पौधा उस स्थान पर उगता है जहां पर उसे नहीं उगना चाहिए उसे खरपतवार कहते हैं। तो ये कोई डेफिनेशन खरपतवार। अब नेक्स्ट आता है खरपतवार के जनक, आदि खरपतवार के जनक किसे कहते हैं, खरपतवार के जनक, खरपतवार के जनक कौन है, जो पहली डेफिनेशन की कोई जनक जैतोटुल, खरपतवार का जनक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं जैतोटुल, खरपतवार का जनक कौन है जैतोटुल। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, सबसे पहले बात आती है परिभाषा, परिभाषा पहले लिखवा दी किसे कहते हैं जैतोटुल के अनुसार खरपतवार किसे कहते हैं, डॉक्टर बी के अनुसार खरपतवार किसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है खरपतवार के जनक है, खरपतवार के जनक में कौन है जैतोटुल है, दोनों की डेफिनेशन अलग अलग आपको कंटेक्स्ट इस वजह से किसी से क्वेश्चन याद रखना है। खरपतवार की विशेषता, बात करते हैं खरपतवार की क्या विशेषता है, कैसे पहचानेंगे
ये खरपतवार है, इनकी क्या विशेषता है? तो इनकी मुख्य रूप से 14-15 विशेषता है जो हम क्रमशः लिखेंगे समझेंगे। नेक्स्ट है निकालना आपको खरपतवार की विशेषता। खरपतवार की विशेषता खरपतवारों की क्या विशेषता होती है, इनकी क्या पहचान होती है, इनके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट विशेषता है बीज उत्पादन का। देखो अब लिखना है बीज उत्पादन में जिसके कारण क्या होते हैं, इंजरी सिस्टम तो पाई जाती है कि
ये धीरे-धीरे अपनी जो है वृद्धि विकास करके पूर्ण गहराई तक जा करके मृदा से जल पोषक तत्व पूर्ण रूप से ले लेते हैं। इसके कारण खरपतवार कुछ खरपतवार में ऐसी विशेषता पाई जाती है जिनके जड़ें गहराई तक जाकर भूमि से जल
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट तीसरी विशेषता एक वो है प्रतिकूल मौसम जलवायु में वृद्धि विकास करना। पहला हमने जो विशेषता पढ़ी वो है बीज उत्पादन में अधिक होना, दूसरी जो विशेषता पढ़ी वो है अधिक गहरी जड़ें होना, तीसरी विशेषता जो प्रतिकूल है मानव स्वास्थ्य एवं पशु स्वास्थ्य पर हानिकारक होगा, चौथी विशेषता प्रतिकूल मौसम में जलवायु में वृद्धि विकास करना, नेक्स्ट जो विशेषता थी पांचवी वो लिखो सिग्नल प्रकीर्णन करना, सिग्नल प्रकीर्णन करना, प्रकीर्णन करना। देखो कर तो अपने सभी प्रकार से प्रसार होता है, जैसे जल के द्वारा भी प्रसार होता है, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या करते हैं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जैसे जल के द्वारा पहुंचाया जल के धान है जो धान की फसल होता है तो ये क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसके अलावा जैसे दूध गैस है जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसके अलावा जैसे कुछ तत्व द्वारा जो बीज के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस वायु के द्वारा वायु द्वारा उसको ट्रांसफर करके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपनी वृद्धि विकास करते रहते हैं प्रसार करते रहते हैं। तो शिखर पर कुछ तत्व द्वारा कुछ तत्व द्वारा ऐसे होते हैं जो जल के द्वारा जैसे जंगली धान जल के द्वारा वायु के द्वारा जैसे कास आदि खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और अपना विस्तार करते रहते हैं। यह जल के द्वारा भी है, वायु के द्वारा भी है, मनुष्य के द्वारा भी है और पक्षियों के द्वारा भी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चले जाते हैं। मनुष्य के द्वारा कैसे, पशुओं के द्वारा कैसे, पशुओं में क्या होता है पशु क्या करते हैं जैसे कि चारा खाते हैं कुछ खरपतवारों के बीच उनके बाल को चपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वायु के द्वारा जैसे पास हो जाते हैं उनमें पाए जाते हैं कुछ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा पहुंच जाता है। इस प्रकार से प्रसार का चलेगा कुछ अधिक होता है अन्य पशुओं की अपेक्षा देखें तो इनका सिग्नल प्रकीर्णन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चले जाते हैं और अपना विस्तार करते रहते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो अध्याय नंबर 5 है मनुष्य स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव मनुष्य स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव कैसे डालते हैं जो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो हमारे फसल के बीजों में मिलकर क्या होता है कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो हमारे फसलों के बीजों में मिलकर मानव स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक के कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आपने देखा सरसों है, अब सरसों के बीज में यदि सत्यानाशी के बीज मिल जाते सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है ड्रॉपसी रोग हो जाता है। ड्रॉपसी कौन सा रोग हो जाता है ड्रॉपसी रोग जिसको हम बोलते हैं बूंदापन इससे कम दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा अगर गाजर घास यदि मनुष्य इसको छूता है तो एलर्जी हो जाती है। क्या होता है एलर्जी इस प्रकार से क्या होता है मनुष्य स्वास्थ्य के लिए भी खरपतवार हानिकारक होते हैं। तो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ये भी एक विशेषता है खरपतवारों की। नेक्स्ट
नंबर 7 में आता है, नंबर 7 पशु स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, पशु स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, पशु स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव। देखो कुछ कण तो ऐसे होते हैं जो पशुओं के द्वारा खाने पर उनका प्रभाव उनके उत्पाद तक पहुंचता है, जैसे कुछ पशु ऐसे चारा गाह में जब दूसरी की क्रिया करते हैं, चरने की क्रिया करते हैं, तो जब पूर्ण रूप से वो खा लेते हैं और उनसे भी जो भी उत्पाद प्राप्त होता है जैसे दूध है, तो दूध में इन खरपतवारों का प्रभाव पूर्ण रूप से चला जाता है और मानव स्वास्थ्य में किसी प्रकार से कई प्रकार से रोग उत्पन्न कर देता है, इसके साथ ही कुछ समय भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देता है। इसलिए नेक्स्ट रूप से पशु स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव में कई रोग प्रकार कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट अध्याय है नंबर 8, प्रत्येक जलवायु मर्दा में प्रत्येक जलवायु मर्दा में प्रत्येक जलवायु मर्दा में वर्दी विकास करना। देखो खरपतवार में ऐसी क्षमता पाई जाती है, चाहे गर्म जलवायु हो चाहे सर्द ठंडी जलवायु हो, आसानी से पूर्ण रूप से वर्दी विकास कर देते हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए लेकिन जो नेक्स्ट विशेषता है प्रत्येक जलवायु मृदा में विकास करना। नेक्स्ट है तो उत्पादन कमी करना। यदि हम हमारी पसंद द्रव्य के द्रव होते हैं, अगर डायरेक्ट हमारी पसंद आपको भी पी लेते हैं, जैसे क्यों की पसंद प्रोडक्शन लेते हैं, जो का पसंद प्रोडक्शन लेते हैं, तो हमारे जैसे 100 में से टोटल 20% जो उत्पादन कम होता है, उपज कम होती है, वो खरपतवार की वजह से होती है। जैसे हमारे गेहूँ का प्रोडक्शन रेट होता है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, अगर खरपतवार का इस खेत में जैसे आप देखिए जल्दी जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है, इस प्रकार से खरपतवार हमें मर्दाने
नमी की मात्रा को कम करता है। नेक्स्ट है प्रकार में पसल प्रतियोगिता, नेक्स्ट विशेषता है पसल प्रतियोगिता। फसल प्रतियोगिता क्या होती है, कभी बात की सकता है डेफिनेशन फसल प्रतियोगिता किसे कहते हैं। खरपतवार पूर्ण रूप से, खरपतवार पूर्ण रूप से स्थान जल वायु व पोषक तत्व, खरपतवार पूर्ण रूप से स्थान जल वायु पोषक तत्व पूर्ण रूप से फसल की अपेक्षा, पूर्ण रूप से फसल की अपेक्षा अधिग्रहण करते हैं जिसे फसल प्रतियोगिता कहते हैं। अब क्या होता है फसल प्रतियोगिता का सीधा सीधा अर्थ है, हम जो भी खेत में फसल बोते हैं जिससे क्या होता है जो है अगर हम उसको खेत में मुख्य फसल आपसे गेहूं या जो लेते हैं अगर उसमें पूर्ण रूप से बथुआ उग जाता है तो गेहूं की अपेक्षा बथुआ जो खरपतवार है सभी प्रकार से पोषक तत्व भी अधिक लेगा, वरदान जो उसके जल है वो भी अधिक लेगा, इसके अलावा जो स्थान है वो भी अधिक लेगा, इसके अलावा जो वायु है उसे जो मदरद्रा और उसमें उपस्थित जो हरे युक्त स्थान होते हैं उनमें उपस्थित जो वायु होती है वो भी फसल की अपेक्षा अधिक लेगा। इस प्रकार से क्या होता है फसल प्रतियोगिता में भी हमें जो हमारी फसल उसको नुकसान पहुँचाता है पूर्ण रूप से हमारे जो मदरद्रा उपस्थित करती है पूर्ण रूप से ले लेता है और हमारी फसल प्रतियोगिता करता रहता है। अगर हम जो भी फसल बोते हैं अगर उसमें कोई खरपतवार होता है तो सभी प्रकार के पोषक तत्व से नदी से जल से वायु से प्रतियोगिता करता है और स्वयं फसल की अपेक्षा अधिक ग्रहण करता है जिसके कारण हमारे फसल उत्पादन में क्या होती है कमी होती है। इस प्रकार से जो खरपतवार की मुख्य विशेषता है वो 12 विशेषता हो गई। इस विषय में हमने पढ़ा कि खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार की डेफिनेशन क्या है, खरपतवार का जनक कौन है, इसके बाद में खरपतवार की डेफिनेशन है जैथ्रोपुल के अनुसार वो क्या है, इसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा डॉक्टर मील के अनुसार खरपतवार की डेफिनेशन क्या है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है खरपतवार की विशेषता, इनकी क्या विशेषता होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये खरपतवार होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक था खरपतवार एंड खरपतवार की डेफिनेशन एंड खरपतवार की विशेषता। ये किस प्रकार से आज हमारा टॉपिक है यहाँ तक है खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का जन्म कौन है और खरपतवार की विशेषता क्या है।